नमस्कार, प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। पद्मावत में नागमती वियोग कंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद से संबंधित व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। पहले पद देखेंगे, कारण क्या है कि नागमती वियोग कंड की ऐसी बातें करते क्योंकि वियोग के लिए बहुत मार्मिक और वियोग ही के लिए ही वियोग, मतलब इतना बढ़िया वियोग वर्णन और अब तक बहुत दुर्लभ माना जाता है। ऐसे जो नागमती वियोग कंड में नागमती की विरह वेदना की क्या स्थिति है हम इस पद के द्वारा देखेंगे। विव वियोग, देखिए, पिव वियोग अस बावर जीवु पपिहा तस बोलै शिव पीवु अधिक काम दगदै सौ रामा हरि जीव लै सो गयव पिय नामा बिरह बान तस लाग न डोली रक्त पसीच बीजी तन चोली सखी हेरि हार मैन मारी अहरि परान तजै सब नारी किन एक आव पेट मह स्वासा किन हि जाय सब होई निराशा पौनै पौनु डोला वही सींचहि चोला पहर समझ नारी मुख बोला प्राण पयान होत कैं राका को मिलाव चात्रिक कैं बाका आह जो मारी बिरह की आगी उठी ते ही हांक हस जो रहा शरीर मह पांक जरे तन ताक। बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत विस्तृत अर्थ प्रयोग करने में जायसी बहुत माहिर कह सकते हैं। शब्दार्थ पहले देखेंगे, कठिन शब्दार्थ रामा मतलब स्त्री, हेरी देखकर, मैन मदन, कामदेव और हेमारी मतलब भाबारी हरिमारी, अहर हाथ छोड़कर, पहरक एक पहर, समझी होश में आकर, चात्रिक चातक, हांक प्रज्वलित हो जाना, हस मतलब जीव है। यहाँ देखिए नागमती कहती हैं, नागमती के जो विरह वर्णन का जो वर्णन कवि कहते हैं, पहला वाक्य देखिए, पिव वियोग अस बावर जीव पपिहा तस बोलै शिव पीवु, कहते हैं पति वियोग में उसका जीव इतना भावला हो गया है, मतलब पागल हो गया है कि वह पपीहा की बांति पी 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 पुकारती रहती है। कामोद्दीपन से वो स्त्री जल रही है, वो तोता तो उसके प्राणों को हर ले गया है। हम सब जानते हैं वह तोता, देखिए यहां कहते हैं वो तोता तो उसके प्राणों को हर ले गया और उसके पति का नाम तक ले गया है, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म में स्त्री या नारी विवाह के बाद कभी अपने पति का नाम भी नहीं ले सकती थी। ये तो भारतीय परंपरा है, पति को कभी नाम से संबोधन नहीं करते हैं। विरह का बाण उसे ऐसा तेज लगा कि वो डोल भी ना सकी, मतलब हिल भी ना सकी। खून पसीज आया और शरीर की चोली खून में डूब गई। देखिए कभी की कल्पना देखिए, सखियां यह देख कर कि वह काम से मारी गई है, हार गई है, नागमती अब हाय हाय करके प्राणों को छोड़ देगी। उसको मूर्छा की दशा ऐसे भयंकर है कि कभी तो क्षण भर के लिए उसके पेट में सांस आती है और दूसरे क्षण सांस चली जाती। वहाँ के सभी आसपास में जो परिचारिकाएं बहुत निराश हो जाते हैं कि सखियां पंख जलती हैं।
पंखा जलाती हैं, उसके वस्त्रों पर पानी छिड़कती हैं। पहर मतलब क्षण भर में वो होश में आकर बोलती भी हैं, उसके प्राण निकलना चाहते हैं, परंतु इनकी रक्षा करे कौन? कौन चातक की बोली पूरी करें, उसके वीपी से मिलावें, बिरह से बरी हुई जो आह उसने निकाली उसमें उसी की विरहाग्नि प्रज्वलित हो। कभी कल्पना देखी, उस आग से शरीर के भीतर जो जीव रूपी हंसता उसके पंख जल गए और शरीर तक गया। अर्थात इसका अर्थ यह कि शरीर में जो जीव रूपी हंसता उसके पंख जल गए। इसका मतलब क्या है? अब प्राण जाना भी मुश्किल है, क्योंकि उड़ने में असमर्थ होने के कारण वो शरीर के अंदर ही रह गया है। वास्तव में यह देखिए, पहले पंक्ति में बताते कि प्राण पयान होत के ही राखा, इसका इसी का यहाँ उत्तर भी देती हैं। इस प्रकार नागमती का जो विरह वर्णन है और इसमें बहुत बढ़िया, और ये दोबारा मैं उसी को, क्योंकि ये बहुत कठिन है इसलिए मैं कवि के शब्दों को दोबारा मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। इतनी नागमती राजा रत्न सेन के जो प्रेम में, मतलब पति दूर हो गए तो उसकी इतनी बावली हो गई है कि, और वही देखिए कैसे हैं, एक पपीहा की तरह पी 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 कहते हुए ऐसे रटने लगी हैं उस रमणी मतलब स्त्री का जो काम अधिक दग्ध करने लगा। वो तोता उस स्त्री के पति का नाम को भी हर ले गया, क्योंकि वो नाम भी नहीं ले पा रही है। हम सब जानते हैं भारतीय सनातन धर्म में पति का नाम तक भी नहीं ले पाए हैं, और उसे विरह को ऐसा भयंकर बाण लगा था कि वह उसकी चोट से हिल डुल भी नहीं सकती थी। उसके शरीर से पसीने के साथ रक्त निकलता था जिससे उसकी चोली भीग जाती थी, उसका हृदय अर्धा सीना सूख गया था और इतना निर्बल हो गया था कि उस पर पड़ा हुआ हार भी उसे भारी लगने, और वहाँ के आसपास की स्त्रियाँ इनकी विरह को देखकर ऐसे सोचते हैं कि उनके प्राण चले गए हैं। लेकिन को और ये भी मान, नागमती के शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ धीरे धीरे अशक्त होती जा रही हैं और उसके प्राण तिल तिल करके निकल रहे हैं। क्षण में वो सांस लेती थी और फिर दूसरे ही क्षण में सांस को छोड़ देती थी। इसका मतलब यह है कि नागमती विरह के कारण लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जो मरणासन्न अवस्था की सूचक होती है। उसकी यह स्थिति देखकर उसकी दासियां परिचारिकाएं उसके जीवन की ओर से निराश हो उठती थी। वे पंखा लेकर उसे हवा करती थी, शरीर पर शीतल जल के छींटे मारती थी, जिससे नागमती पहर भर के लिए होश में आ जाती और मुख से कहने लगती कि मेरे प्राण जाना चाहते हैं, अब कौन आकर इनकी रक्षा करेगा, कौन मुझे अपने प्रीतम की मधुर वाणी सुनाएगा। और विरह में जो मारा हुआ होता है उसका शरीर में आग सी धधकने लगती है। विरह की उस अग्नि के कारण शरीर के भीतर रहने वाले हंस अर्थात जीव के पंख जल जाते हैं और वह भाग जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि नागमती विरह दाह के कारण मरणासन्न हो रही है। यहाँ बहुत दूसरा जो दूसरी पंक्ति यहाँ देखिए, अंतिम पंक्तियाँ मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ। आह जो मारी विरह की आगी बुटते ही हांक, हंस जो रहा शरीर मह पांक जरे तन ताक। यहाँ इसका मतलब ये है कि अंतिम दोनों पंक्तियों से वो ये कहना चाहती कि उनका ऐसे हो गई है कि प्राण जाने की स्थिति में है, मतलब अब प्राण रहें या ना रहें, कब आएं कब जाएं, और इसे बताते इसके कारण शरीर के अंदर जो जीव रूपी हंस मतलब वही आत्मा जो भी मतलब वो इसीलिए नहीं जा पा रहे कि उनके पंखे जल गए हैं या कट गए हैं। तो इसीलिए उस विरह मतलब यहाँ विरह की जो 11 दशाएं मानते हैं, अंतिम जो दशा है मरण, ये तो नागमती विरह की अंतिम दशा तक
पहुंच गई है, ये बिल्कुल मरणासन्न हो गई, मतलब मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई। यहाँ कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि नागमती विरह दाह के कारण मरणासन्न हो रहे, मतलब विरह की 11 दशाओं में अंतिम दशा तक पहुंच गए हैं। इस प्रकार नागमती का जो विरह का बहुत बढ़िया वर्णन जायसी ने किया है। धन्यवाद।